नमस्कार साथियों, मेरा नाम है लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं एग्रीपीडिया इंडिया। साथियों, ये वीडियो बहुत खास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि हम जो मिनी किट वितरण करते हैं तो मिनी किट वितरण में हमें जो ओटीपी की समस्या आती है उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथियों देखो, जो आधार नंबर पर जो ओटीपी आता है वो ओटीपी हमें किसान की तरफ से मिलता ही नहीं है। या तो उसका मोबाइल बंद है, या फिर उसका मोबाइल फूट गया, या फिर रिचार्ज नहीं है, कुछ ऐसे कारण है उनकी वजह से ओटीपी वो हमें मिलता नहीं है और मिनी किट वितरण हो नहीं पाता है और किसान परेशान होता है और हमारे साथ भी थोड़ा सा दिक्कत आती है। आपको राज किसान साथी पोर्टल पर जाना है और मिनी किट वितरण वाला जो ऑप्शन है उस पर चयन करना है और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो चयन कर लेना है, वित्तीय वर्ष 2024-25। उसके बाद विभाग, यहाँ पर कृषि डाल देंगे। उसके बाद में योजना, जिस योजना के तहत आपका मिनी किट आया है उसको चयन करना है। तो मेरा स्टेट फंड स्कीम है, इसको मैंने चयन कर लिया है। उसके बाद में फसल, कौन सी फसल का आप मिनी किट वितरण कर रहे हैं उसका चयन करना है। मेरा बाजरा है तो मैंने बाजरा चयन कर लिया है। उसके बाद में किस्म, किस्म में जो आपकी वेरायटी आई है उसका आपको चयन करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है, आगे बढ़े पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप उसका किसान का जनाधार नंबर मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ और इसको मैं सबमिट करता हूँ। यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुल गए हैं, उसका गांव और उसकी श्रेणी है वो आपको चयन करनी है, सीमांत है, लघु है, अन्य है, वो आपको चयन करनी है। तो मैं यहाँ पर उसकी श्रेणी सीमांत कर लेता हूँ। क्षेत्र का प्रकार वो ग्रामीण है तो मैं ग्रामीण चयन कर लूंगा और मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जो उसके फैमिली में जो मेंबर हैं उनके जो नाम है वो यहाँ पर खुल गए हैं। अब हम जनरली क्या करते हैं, हम महिला के नाम पर ओटीपी भेजते हैं, जबकि महिला के आधार नंबर में जो मोबाइल लिंक है वो हमेशा बंद ही मिलता है, कभी ओटीपी उस पर आता ही नहीं है। ओटीपी आता है तो हमें मिल नहीं पाता है, बड़ी समस्या हो जाती है इसके बारे में। तो देखो साथियों, जो ये मेंबर यहाँ पर खुल रहे हैं उन मेंबर में से आप किसी एक के नाम पर ओटीपी भेजोगे तो कुछ के आगे मोबाइल नंबर लिख कर आ रहा है और कुछ के आगे है नहीं मोबाइल नंबर। तो जनरली यहाँ पर क्या होता है कि आधार नंबर में जो नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाता है। तो जो इस परिवार की जो मुखिया है उसका नाम है रोनो, तो रोनो के नंबर पर ओटीपी जब मैं भेजता हूँ तो रोनो जो इसमें जो नंबर लिंक है वो सेम इस वक्त खो गई है और ओटीपी हमें मिल नहीं पा रहा है। तो इनमें से हम किसी एक के नाम पर ओटीपी भेजेंगे, तो जैसे मेरा ये इस पर मैं गौरी पे मैं ओटीपी भेजता हूँ तो इसका जो है ओटीपी यहाँ से चला गया। अब देखिए यहाँ पर हमें वैकल्पिक नंबर का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी कि हमें ओटीपी यहाँ से भी नहीं मिलने वाला है। तो इस परिवार में से कोई ऐसा जो मेंबर है उसका चयन करना है जिसका वैकल्पिक नंबर का ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए ये वैकल्पिक नंबर का ऑप्शन इस पे आ गया है इस पे, तो यहाँ पर आप वैकल्पिक नंबर उसका आप डालोगे। तो जैसे मैं इसका वैकल्पिक नंबर कोई भी यहाँ पर डाल लेता हूँ इस तरीके से, ये डाल लिया मैंने। अब इस पर मैं यहाँ पे ओटीपी भेजूंगा, ये ओटीपी इसके पास यहाँ से चला गया है। अब देखिए ये जो नंबर है रिचार्ज इसमें भी नहीं है, ओटीपी इस पर भी चला गया लेकिन हमें मिला नहीं है। अब वैकल्पिक नंबर वाले ऑप्शन पर जब ओटीपी जाता है तो यहाँ पर हम जो ओटीपी के तौर पे 00000000 ये डालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ओटीपी सत्यापित करें पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है ये सबमिट यहाँ से हो जाएगा। देखिए मिनी किट डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुली ये हो चुका है। अब इसके दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है मैंने जो ये है मिनी किट डिस्ट्रीब्यूशन इसके पति के नाम पे किया है, लेकिन जब आप उसमें देखोगे डिटेल में जो परिवार की जो मुखिया है, जो महिला मुखिया है उसका ही नाम उसके अंदर आएगा, ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। आप किसी के भी नाम पर ओटीपी भेजोगे, अगर वहां से आपको ओटीपी मिल जाता है और वो सबमिट करोगे तब भी ठीक है, अगर वैकल्पिक नंबर का ऑप्शन आता है उसके बाद में ओटीपी नहीं मिलता है फिर आप सबमिट करोगे तब भी ठीक है। यानी कि आप किसी के भी नाम पर ओटीपी भेजो और सबमिट करो, लेकिन जो मिनी किट वितरण है वो महिला के नाम से ही होगा। आप डिटेल में आप चेक कर सकते हो जा करके, आप महिला का नाम ही वहां पर शो होगा। तो साथियों ये थी आज की एक जानकारी, अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।